आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से 2022 तक इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए बहुत काम हुआ। मैं कह सकता हूँ स्वर्णिम युग है ये। आज हमारे देश की बागडोर एक परम तपस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, तो प्रदेश की बागडोर एक कर्म योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में। 2017 से 2022 में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। अभी 33,50,000 करोड़ रुपए की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है, वो बहुत प्रयासों से बहुत सारे लोगों के लगने के बाद अभी ऑटो मोड पर वो 6,00,000 करोड़ और बढ़ गया, मतलब 38,39,00,000 करोड़ पहुंच गया। 19,058 इन्हें थे जो बढ़ करके 26,000 हो गए। इसका मतलब ये दिखाता है कि हमने इन्वेस्टर का भरोसा जीता है, विश्वास जीता है, और जो खुद से स्वयं चल करके आ रहे हैं। पहले पूरे प्रदेश में नहीं होता था, इस बार बुंदेलखंड भी, पूर्वांचल भी, मध्यांचल भी और पश्चिम भी, सभी जगह इंडस्ट्रियाँ आई हैं। और जब इंडस्ट्री लगेगी, और इंडस्ट्री लग रही है, हम बहुत जल्दी लगभग 13,00,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्दी उसको धरातल पर लाएंगे। अभी हमने समीक्षा बैठक की थी जिसमें 7,00,000–7,50,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी हो चुकी है। इस तरह के पूरे कहें तो हम बहुत सारे चीज़ों में नंबर वन हैं, हम डेयरी में नंबर वन हैं, हम एग्रीकल्चर में नंबर वन हैं, तो निश्चित रूप से अगर यही प्रोसेसिंग होगी। दूसरी बात, खपत का सबसे बड़ा मार्केट है हमारे पास, 25 करोड़ की आबादी, इसीलिए तमाम देश दुनिया की कंपनियां, देश की भी, देश के बड़े बिजनेस घराने, मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगा रही हैं, क्योंकि उनको खपत का बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है। आज अगर हम बात करें केवल नोएडा में लगभग मोबाइल का 50% हम लोग मोबाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्तर भारत का, केवल उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हमारे पास नोएडा में है। निश्चित रूप से अभी तक हमारे पास केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, आज 9 एयरपोर्ट संचालित हैं, 13 पर काम चल रहा है। बहुत जल्दी 22 एयरपोर्ट, मतलब 17 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य होने का उत्तर प्रदेश को गौरव प्राप्त होगा। भारत का 37.7% एक्सप्रेसवे अकेले उत्तर प्रदेश में है। हम 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं बहुत जल्दी, और 6 और एक्सप्रेसवे बना रहे हैं बहुत जल्दी। पूरे भारत का 50% एक्सप्रेसवे हमारे पास होगा। निश्चित रूप से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास फर्टाइल जमीन है जहाँ बहुत उपजाऊ जमीन है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर कनेक्टिविटी, बल्कि वाटरवे भी। हमें लैंड लॉक स्टेट कहा जाता था, वाराणसी से हल्दिया था, उसको बढ़ाकर हम लोग प्रयागराज कर रहे हैं, तो वाटरवे भी हमारे पास है। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में व्यापार की बहुत संभावना है।